हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पुष्कर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के 2014 के यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन पूछे थे। देखिए, आप देखेंगे कि 2013 में यूपीएससी में एनवायरनमेंट इकोलॉजी से सिर्फ 13 या 14 क्वेश्चन पूछे थे, बट 2014 में ही 21 क्वेश्चन हो गए। तो मतलब देखिए कैसे जो पुश है, मतलब एक पुश बैक मिला 7 क्वेश्चन का। ठीक है, मतलब क्या है कि 13 से लेकर सीधा 21। तो आप खास ध्यान दीजिएगा एनवायरनमेंट इकोलॉजी पे, क्योंकि जैसे जैसे फॉरेस्ट एग्जाम जो है यूपीएससी के साथ हो गया, तो एनवायरनमेंट की जो वेटेज है वो बढ़ती जा रही है। तो यही जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी है, आपको लाइन के इस पार या उस पार रखने में बहुत ज़्यादा जो अपना रोल है वो कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे 2014 के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स जो कि मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। पहला आपका सी काउ, सी हॉर्स या सी लाइन। आपके ऑप्शन है 1 only, 1 3 only, 2 3 only या 1 2 3। देखिए, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो सी लायन और सी काउ तो आपकी मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, बट जो सी हॉर्स होता है ये हमारे मैमल्स की कैटेगरी में नहीं आते। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। देखिए, 1 and 3 इज करेक्ट आंसर। देख लीजिए, जो सी काउ है ये भी एक मैमल्स की कैटेगरी में आता है, जो सी हॉर्स होता है ये हमारे फिश की कैटेगरी में आते हैं, ना कि मैमल्स की। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो सी लाइन होता है ये भी एक मैमल्स है, ठीक है, जो मैमल्स की क्लास में फॉल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वॉक थ्रू द कंट्री साइड, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यू आर लाइकली टू सी सम बर्ड्स स्टॉकिंग अलॉन्ग द कैटल टू सीज द इंसेक्ट्स disturbed by their movement through the grasses. Which of the following are or is such birds? आपके ऑप्शन है पेंटेड स्टॉक, कॉमन मैना या ब्लैक क्रेन, ब्लैक नेक क्रेन। देखिए, आपको मैं आप पहला जो क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। वो कह रहा है क्वेश्चन में, कभी आप कंट्री साइड में जाएँ, ठीक है, तो आपने विटनेस किया होगा कि जो बहुत सारी जो बर्ड्स हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं या उनको डिस्टर्ब करते हैं मूवमेंट थ्रू ग्रासेस। ठीक है, तो उनमें से ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से वो कौन सी बर्ड्स हैं। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन बताऊं, देखिए आपको थोड़ा बहुत भी पता हो तो ये जो मैना होती है, हमने मैना तो हम लोगों ने देखी भी होती है, तो ये किस पे फीड करती है, इंसेक्ट्स पे। ठीक है, आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आपके ऑप्शन है 1, 2, 2 only, 2 3 only या 3 only। देखिए, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन एक बार। मैंने आपको अभी बताया जो मैना होती है ये तो फीड करती है इंसेक्ट्स पे। ठीक है, तो ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब आप बोलेंगे कि पहला और थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है। अगर आपको पता होगा जो पेंटेड स्टॉक होते हैं ये मेनली फीड करते हैं फिशेज पे। ठीक है, जिसके कारण ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारा इनकरेक्ट है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे देखिए, मैंने क्या बोला था आपको, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। If you walk through the countryside, countryside मतलब क्या है कि हमारा जो जहाँ पे habitat हमारा ज़्यादा है, but जो black नेट क्रेन होती है ये हमको मिलती है ट्रांस हिमालिया में। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा, ये जो हमारा स्टेटमेंट जो हमारा क्वेश्चन दे रखा था इसके साथ ये कंट्रास्ट कर रहा है, तो इसी की वजह से जो हमारा ब्लैक नेट क्रेन है ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लेते एक्सप्लेनेशन। जो कॉमन मैना इज एन अपॉर्चुनिस्टिक फीडर ऑन इंसेक्ट्स, ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारी पहली स्टेटमेंट थी ये करेक्ट है। और जो पेंटेड स्टॉक होता है ये फिश पे फीड करता है, और जो ब्लैक नेट क्रेन होता है ये हमको ट्रांस हिमालय रीजन में मिलता है। सो इट इज़ अनलाइकली टू फाइंड वाइल वॉकिंग थ्रू द कंट्री साइड इन ऑल स्टेट एंड प्लेसेस, हेंस कोड 3 इज इनकरेक्ट। क्लियर हो गया। चलिए, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बेरोमिनेटेड फ्लेम retardant are used in many household products like mattresses, upholstery, while there is some concern about their use. ठीक है, मतलब क्या है कि जो barometer flame retardant होता है इसके बारे में कौन सी जो statement है वो सही या गलत है। आपके option है they are highly resistant to their degradation of the environment, और दे आर एबल टू एक्यूमुलेट इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। देखिए, आपको दोनों ही जर्नल से स्टेटमेंट लग रही हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। देख लेते एक्सप्लेनेशन। द अकरेंस ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द सर्टेन बेरोमिनेटेड फ्लेम रिटर्डेंट एलिक्ट एडवर्स इफेक्ट ऑन सम वाइल्ड लाइफ, ये भी लिखा भी हुआ था यहाँ, ठीक है, जो हमारे ऑप्शन में भी दिया था।
सो दे डोंट इजिली डिग्रेडेड द एनवायरमेंट. हेंस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. देर इज ऑल्सो कंसर्न दैट द लेवल could cause the adverse effect in the sensitive human population such as young children, indigenous population and fishes consumers. ठीक है, तो हमारी जो second statement है ये भी हमारी prove हो जाती है correct. ठीक है, clear हो गया. चलिए next question है हमारा, which of the following factor जो है हमारे, ये देखो चार factor दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो factor है हमारे carbon cycle में contribute करता है as carbon dioxide. देखिए आप कोई भी मत देखिए, आप अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पता है तो ये आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं. ठीक है, जो हमारा इस पे फोकस करिए फोटोसिंथेसिस पे. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, पर हमको चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो फोटोसिंथेसिस है ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जो जहां भी थ्री है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ये भी एलिमिनेट और ये भी एलिमिनेट. और आपको पता होगा कि वॉल्केनिक एक्शन है, जब बहुत ज़्यादा वॉल्केनो वगैरह फूटता है तो इसमें से बहुत ज़्यादा कार्बन जो मैटर होता है वो भी निकलता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट होता है. फिर पहला ऑप्शन भी है. ठीक है, पहला ऑप्शन कहाँ है ये, इसको भी एलिमिनेट कर दो तो आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. देख लेते हैं, जो रेस्पायरेशन होता है ये भी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो तीन फैक्टर हैं एक्सेप्ट फोटोसिंथेसिस all release carbon dioxide and hence it contributes to carbon cycle. ठीक है, चलिए explanation देख लेते हैं. जो photosynthesis है ये carbon dioxide लेता है और release करता है oxygen, इसी वजह से जो हमारा carbon cycle होता है ये इसमें contribute नहीं करता. volcanic action obviously करता है. respiration is the movement of oxygen from the outside environment to cell within the tissues and release carbon dioxide. ठीक है, तो ये भी हमारा carbon cycle में contribute करता है. और डीकम्पोजिशन तो ऑब्वियस ही बात है, कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. ठीक है, तो हमारे जो सी आंसर हो गया ये निकल कर आ गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू द कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड इंटरनेशनल. ठीक है, ध्यान से सब पढ़ना स्टेटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. ठीक है, इट पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल, पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय द कंट्रीज विच आर सिग्नेटरी टू द रामसर कन्वेंशन. और दूसरा कह रहा है कि इट वर्क्स एट द फील्ड लेवल टू डेवलप द मोबिलाइजेशन नॉलेज एंड यूज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर द बेटर पॉलिसीज. देखिए आपको अगर सेकेंड स्टेटमेंट पढ़े तो ये बहुत ज्यादा जर्नलिस्ट स्टेटमेंट लग रही है, मतलब आपको पता लग रहा है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो हो सकता है इन एरिया में ये काम करती हो, बट इशू आता है पहली स्टेटमेंट में. सबसे पहले चीज, अगर आपने वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में पढ़ा है तो ये जो फोर्स में आई थी 1954 में, और ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं आई, ये है एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि रामसर कन्वेंशन कब आया था, 1971 में, और जो वेटलैंड इंटरनेशनल आया था ये 1954 में, तो कहीं से भी ये मैच नहीं करता. तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो गई. तो पहला और थ्री को एलिमिनेट करो, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. देख लेते एक्सप्लेनेशन, वही लिखा भी हुआ है, वेटलैंड इंटरनेशनल फॉर्म हुआ था 1954 में और रामसर साइन हुई थी 1971 में. और तो ये पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई, और जो वेटलैंड इंटरनेशनल है ये एक एनजीओ है. ठीक है, तो बाकी मैंने काम तो वही बता ही दिया जो भी इसका काम है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अदर देन द प्रोचिंग व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर द डिक्लाइनिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ गंगा डॉल्फिन. ये देखिए, ये जो क्वेश्चन था 2014 में, ये जो डॉल्फिन थी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी. ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी जो पॉपुलेशन थी वो डिक्लाइन होने लगी थी, जिसके कारण यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था. अब देखिए स्टेटमेंट्स जो स्टेटमेंट दिए इनको ध्यान से पढ़ना, और कोई अटपटी सी जो स्टेटमेंट उसको ध्यान उसको फाइंड करना. ठीक है, अगर आपने फाइंड कर ली तो ईजिली इसका आंसर अपने आप ही निकल गया जाएगा. पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बैरेज ऑन रिवर. दूसरा है increase in the population of crocodile in the river. फिर तीसरा है getting trapped in fishing net accidentally. use of synthetic fertilizer and other agriculture and chemical in the crop field in the vicinity of river. अब देखिए मैंने क्या बोला था, कोई अटपटी से स्टेटमेंट फाइंड करो. देखिए आप सोच कर देखिए कि अगर क्रोकोडाइल की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी तो गंगा जो रिवर डॉल्फिन है उस पर क्यों इम्पैक्ट डालेगी, तो उनसे क्या रिलेशन है इनका, अगर क्रोकोडाइल इंक्रीज हो रहे हैं तो उनसे डॉल्फिन का क्या ताल्लुक. तो अगर दो को एलिमिनेट करते हैं आप
तो यहाँ भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वही निकल के आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वही चीज़ मैंने आपको बता दी कि जब क्रोकोडाइल की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद गंगा रिवर डॉल्फिन। तो हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट है ये एलिमिनेट होते के साथ ही हमारा जो वो सही आंसर है वो निकल के आ गया। ठीक है, और ये अप्रैल जो नेशनल डॉल्फिन डे है ये हम सेलिब्रेट करते हैं 14 अप्रैल को, अप्रैल को, ये भी याद रखना, पीसीएस वगैरह में पूछ लेंगे कभी भी। और जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है ये हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है जिसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज सूसू। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक चीज़ इसमें आपको याद रखनी है, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक। सबसे पहला जो हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है, दूसरा क्या है, IUCN स्टेटस इसका क्या है, इंडेंजर है, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आती है और सिटीज़ के अपेंडिक्स 2 में आती है। ठीक है, और जो कि हमारे रजिस्टर है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। अगर गंगा रिवर डॉल्फिन की बात करें, इट इज़ द ओनली फ्रेश वाटर जो इट इज़ द ओनली फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जो हमको मिलती है, और ये साउंड निकालती है सूसू का, इसी की वजह से इसका नाम जो है सूसू पड़ गया था। और ये तीनों तीनों देशों में मिलती है, नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश में। और ये ज़रूर से याद रखना ये कौन से स्टेट्स में मिलती है, जो आपको पता होगा जहाँ जहाँ से गंगा निकल के जाती है वहीं वहीं मिलेगी। तो सबसे स्टेट है असम, यूपी, MP, राजस्थान, बिहार और झारखंड। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे इसको याद कैसे रखना है, बस असम याद कर लो एक एडिशनल, बाकी सारे वही आपको याद हो जाएंगे। देखिए, मान लीजिए गंगा कहाँ कहाँ से निकल के आएगी, यूपी से निकल के आएगी, फिर MP से भी आएगी। ठीक है, मतलब क्या आएगी, जो नॉर्थ ये वाला जो इंडिया है, ये वाला सिक्किम वगैरह का, ये जो वेस्ट बंगाल, यहाँ यहाँ का इलाका आप याद रख लो तो आपका इजीली याद हो जाएगा। यहाँ पे है यूपी, फिर यहाँ पे कहीं पे MP है, फिर यहाँ पे है राजस्थान, फिर यहाँ पे क्या है राजस्थान के बाद बिहार, यहाँ पे यूपी के जस्ट बाद बिहार, फिर यहाँ पे बीच में आता है उसी के नीचे झारखंड, और फिर जहाँ पे गिरती है गंगा वहाँ पे आती है वेस्ट बंगाल। तो ये 7 स्टेट के नाम आपको याद होने चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आप करिएगा तभी जब आपको आता हो, अगर आपको नहीं आता तो फालतू में तुक्का मत भेड़िएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटीज़ के बारे में तभी आप करिएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट सर्व्स एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इट अंडरटेक द साइंटिफिक एनवायरमेंटल इशूज एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है, और लास्ट का बोल रहा है कि इट इज़ एन एजेंसी अंडर द OECD टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विद द स्पेसिफिक एम टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। और लास्ट का कह रहा है कि A and B बोथ। ठीक है, अगर हम देखें सबसे पहला कि अगर ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटीज के बारे में, तो ये कोई एन जो साइंटिफिक जो एनवायरमेंटल इशू होता है उसको कोई टैकल करने के लिए ग्लोबल लेवल पे आवाज़ नहीं उठाता, सबसे पहली चीज़, तो ये हमारा एलिमिनेट करो। अगर बी एलिमिनेट हो गया तो ये हमारा डी भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, फिर तीसरा क्या है कि ये एजेंसी OECD के नहीं वर्ल्ड बैंक के अंडर में आती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन ए बचा, तो वही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ, अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। जो ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी है ये इस्टेब्लिश हुआ था जब हमारा 1992 का रियो अर्थ समिट हुआ था, उसमें ये फॉर्म हुआ था। और अगर मिस्टेक पॉइंट की बात करें तो ये जो कोई भी साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट नहीं करता एनवायरमेंटल इशू पे, और ये प्रोग्राम जो है वर्ल्ड बैंक के अंडर में आता है, तो इसी वजह से जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ टाइगर रिजर्व और कुछ सेंचुरी दिए हैं और उनके स्टेट नाम दिए हैं। पहला बोल रहा है कि जो दम्फा टाइगर रिजर्व है क्या ये मिजोरम में है, फिर गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या ये सिक्किम में है, और सरामती जो पीक है क्या ये नागालैंड में। देखिए, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो दो चीज़ तो अब मैं आप श्योर हूँ कि आपने पढ़ा, सॉरी एक चीज़ जो मैं श्योर हूँ आपने पढ़ा होगा दम्फा टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, ये तो आपको क्लियर होगा कि ये मिजोरम में है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर होगा, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ रखे हो एनवायरनमेंट तो अपने ये तो अवेयर होंगे कि जो दम्फा टाइगर रिजर्व है ये मिजोरम में, तो वन जहाँ पे नहीं है उसको एलिमिनेट करो। ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया, अब आपके पास तीन ऑप्शन बचे। ठीक है, अगर आपको मतलब ये आर या पार करना है तो आप तुक्का ले सकते हैं। ठीक है, जो सरामती पीक है ये तो नागालैंड में है। ठीक है, तीन जहाँ पे नहीं है उसको भी एलिमिनेट करो, तो हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है,
ठीक है, जो गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हमारा सिक्किम में नहीं, ये है त्रिपुरा में, ठीक है, ज़रूर से याद रखना, ठीक है, तीनों के तीनों ज़रूर से याद रखना, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो दम्पा टाइगर रिजर्व, ठीक है, इट इज़ लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, जो कि मिजोराम में लोकेटेड होती है। और सरामती पीक जो है नागालैंड में है, और जो गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, ये है त्रिपुरा में, ना कि ऊपर क्या दे रखा था, सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन, मतलब ये फूड चेन के सीक्वेंस दे रखे हैं आपको बताने हैं कि करेक्ट कौन सा है। देखिए, आपको अगर कुछ भी नहीं पता, अगर एक भी चीज़ पता है, तो जो हेरिंग होती है ये तो फिश की कैटेगरी होती है, जो कि जो क्रस्टेशियंस को खाती है, ठीक है, जो ये फिश होती है ये क्रस्टेशियंस को खाती है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, हेरिंग, सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, हेरिंग, और सेकेंड नंबर पर क्या आना चाहिए, क्रस्टेशियन। तो ऑब्वियसली बात है, जब ये दो पे आएगा, ये तीन पे आएगा, तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला बात करते हैं, ये हमारे सीक्वेंस भी देख लिए, डायटॉम्स, क्रस्टेशियन और हेरिंग। ये जो हमारा प्रोड्यूसर लेवल होता है फूड चेन का, उसमें हमारे आते हैं जैसे फाइटोप्लैंकटन हो गया, डायटॉम्स हो गया, ये डायटॉम हमारे ऑप्शन में भी था, फिर साइनोबैक्टीरिया हो गया, फिर क्रस्टेशियन क्या होते हैं, इट इज़ अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ एथ्रोपोड्स विच इंक्लूड क्रैब्स, ठीक है, क्राइफिश, क्रिल और क्रिल एक्सेट्रा, ठीक है। और हेरिंग जो है होती है, ये फिश की कैटेगरी है जो क्रस्टेशियन को खाती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। तो हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, इफ द वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इज बॉट अंडर द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट इम्प्लाई, चेंज इन द इकोलॉजिकल करेक्टर हैव अकर्ड एंड अकरिंग और लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो इकोलॉजिकल चेंज आया है, ठीक है, या निकला है, निकल कर आया है हमारे ह्यूमन इंटरफेरेंस से, जो कि वेटलैंड, मतलब जो वेटलैंड में जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है उसके जो क्या इकोलॉजिकल चेंजेस निकल कर आए हैं, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है, द कंट्री इन विच वेटलैंड इज लोकेटेड शुड इनेक्टेड द लॉ और प्रोहिबिट एनी ह्यूमन एक्टिविटीज विद इन द 5 किलोमीटर्स ऑन द एज ऑफ द वेटलैंड। तो देखिए, आपको ये भी पता होगा कि ये कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट नहीं करता, तो ऑब्वियसली बात है ये ऑप्शन बी इस जो हमको पढ़ के ही पता लग रहा है ये गलत है। द सर्वाइवल ऑफ वेटलैंड डिपेंड्स ऑन द कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशनल सर्टन कम्युनिटीज लिविंग इन द विन सिटी, देयरफॉर कल्चरल डाइवर्सिटी देयर शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। देखिए, आपको पता होगा जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है ये कल्चर वगैरह से, तो ये ट्रेडिशनल एक्टिविटीज से कुछ रिलेट नहीं करता, ठीक है। आप अगर आपको पता भी होगा ये जो रामसर साइट है उससे उसके अंडर में आती है, मतलब उस जो रामसर साइट है ये इसी के अंडर में आती है, तो आपको पता होगा रामसर साइट हमारी वेटलैंड से डील करती है, वहाँ पे कल्चर या ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से कुछ लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब लास्ट का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, फिर हमारा बच्चा क्या ए और डी लास्ट का पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। इट इज़ अ गिवन द वर्ल्ड स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आपको पता होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन देती है, यूनेस्को, ठीक है, तो उसका इससे भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया, आंसर ए आ गया हमारा निकल के, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, लिखा भी हुआ है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है, जो हमारी वेटलैंड साइट्स हैं लिस्ट करता है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में, और ये मेंटेन होता है या पार्ट है रामसर साइट्स का या रामसर लिस्ट का, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में हमारी इंडिया की दो साइट्स हैं जो इसके अंडर में रजिस्टर हैं, सबसे पहला किलाडो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में, और दूसरा लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है, और चिलिका लेक भी ऐड हुई थी, बट इसको चिलिका लेक आपको पता होगा कि ओडिशा में लोकेटेड है, और ये ऐड तो हुई थी बाद में, पर इसको पहले ऐड हुई थी बट बाद में इसको बाहर निकाल दिया था, मतलब इसका जो स्टेटस था वो छीन लिया था। तो अभी करंटली हमारी दो ही हैं, किलाडो नेशनल पार्क और जो कि राजस्थान में, और लोकटक लेक जो कि मणिपुर में, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, मतलब क्या है कि कौन सा जो एग्रीमेंट है हमारे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में या उसको संभालने में या जो भी प्रभाव डालता है उसको प्रोटेक्ट करने में कंट्रीब्यूट करता है। देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता यहाँ पे, आपको ये तो पता होगा कि यूनाइटेड जो नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन है, ये तो बाइंडिंग है इसका, ठीक है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो अगर दो जहाँ पे नहीं है उसको सबसे पहले उसको हटा दो, ठीक है, ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये करेगा हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट।
तो दो को जो ध्यान ही है उसको हटा दो, पहला भी बी भी एलिमिनेट और सी भी एलिमिनेट। अब देखते बात आ गया कौन सा, ए और डी। अब देखिए यहाँ पे जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करते हैं, मान लीजिए कोई साइट है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया, तो अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट जब वो प्रोटेक्शन लेगा वो, तो उसके साइट का जो फ्लोरा और फौना है वो भी तो प्रोटेक्ट होगा। मतलब क्या है कि अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी को तो प्रोटेक्ट किया जा रहा है उसके साथ की। मान लीजिए कोई भी साइट है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की में लिस्ट में डाल दिया, तो उसके साइट का जो फ्लोरा फौना है उसको भी तो प्रोटेक्शन मिलेगी। तो अगर सी भी आ जाता तो सी को एलिमिनेट करो, जहाँ सी नहीं है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर क्या है हमारा, डी। ठीक है, तो आप ऐसे ही एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करा करिए, ठीक है, जब भी आप टेस्ट वगैरह सॉल्व करते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं। तो हमारा डी करेक्ट आंसर आ गया। अगर आपको पहला नहीं भी पता था तो भी आप इसका इजीली मार्क कर सकते थे। अब देख लेते एक्सप्लेनेशन। जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द प्लैनेट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एग्रीकल्चर है, ये डेवलप हुआ था 2001 में, जब हमारा FAO का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का समिट हो रहा था, और इसको सीड ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं कभी भी कि सीड ट्रीटी किसको कहते हैं, तो आपको ये बड़ा सा नाम जो है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द प्लैनेट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इसका नाम पता होना चाहिए। जो इंडिया है इसका सिग्नेटरी है, और अगर बात करें UNCCD की तो ये लीगली बाइंडिंग है, आपको पता होगा ये लीगली बाइंडिंग होगा, हमारे इंडिया ने भी साइन कर रखा है, और इसके करेंटली 197 पार्टीज हैं, और ये साइन हुआ था 1994 में। ठीक है, अगर वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की बात करें तो ये क्रिएट हुई थी 1972 में। इसका प्राइमरी जो मिशन है हमारी वर्ल्ड की नेचुरल और कल्चरल साइट है उनको कंजर्व कर सकना, और जो हमारा यूनेस्को है ये इनका स्टेटस देता है। ठीक है, किसी भी साइंटिफिक या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, मतलब कोई भी साइट होती है नेचुरल या कल्चरल, उसको ये डेजिग्नेशन देती है एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो अर्थ आर है, ठीक है, उसके उस जो अर्थ आर है इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट्स गलत है, सही है। आपके ऑप्शन है, इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ UNEP एंड यूनेस्को, इट इज़ द मोमेंट इन विच द पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ द लाइट्स ऑफ 1 आवर ऑन अ सर्टन डे एंड एवरी ईयर, इट इज़ अ मोमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज द नीड टू सेव प्लानट। ठीक है, अगर आप, मैंने देखिए अभी यूनेस्को के बारे में पढ़ाया था, अगर आपने थोड़ा बहुत भी जानते हैं यूनेस्को को, देखिए दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, मेनली डील करती है हमारे क्लाइमेट चेंज या फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयरनेस जनरेट करना। तो क्लाइमेट चेंज से यूनेस्को का क्या रिलेशन, ये तो कल्चरल ट्रेडिशनल पे जो साइट्स होती हैं, हेरिटेज साइट होती हैं उससे डील करता है ज़्यादातर, मतलब UNEP हो सकता है, बट यूनेस्को थोड़ा मतलब कहते हैं ना अटपटा सा लग रहा है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला वन एलिमिनेट कर दो और डी एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन बचे बी और सी। ठीक है, अब देखिए ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमको बहुत जनरल से लग रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर था ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देख लेते एक्सप्लेनेशन, ये जो स्टेप था ये वर्ल्ड वाइड फंड का था, ना कि UNEP और यूनेस्को जो दे रखा था हमको ऑप्शन में। ठीक है, ये अर्थ आर जो स्टार्ट हुआ था सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में 2007 में, इसमें क्या था कि हर साल लास्ट सैटरडे जो कि मार्च का होता है, इसमें 1 घंटे के लिए 8:30 से 9:30 तक 1 घंटे के लिए जो हमारी लाइट्स हैं उसको बंद कर देना, ताकि लोगों में क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग थोड़ी अवेयरनेस आ सके, बस यही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट रिलीज बाय द स्टील इंडस्ट्री। आपको पता होगा जो स्टील इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन मतलब निकालती है। तो देखिए आपको नहीं पता कोई इंडस्ट्री कौन सा पोल्यूशन रिलीज कर रही है, तो अगर आपको ये नहीं भी आता था, तो देखिए मेरे को भी नहीं आता था जब मैं PPT बना रहा था, तो मेरे को लगा कि कोई इंडस्ट्री, अब बहुत सारी इंडस्ट्री होती हैं, अब कौन सी इंडस्ट्री क्या काम कर रही है, कौन सा पोल्यूशन मतलब निकाल रही है, उसे हमें क्या पता, तो मैंने सारा ही मार्क किया और अल्टीमेटली ये सही भी था। तो हमारे सारे के सारे जो है ऑप्शन ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द मेन पोल्यूटेंट आर पर्टिकुलर मैटर ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड अलॉन्ग विद द हाई एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे के सारे हमारे ऑप्शन में भी दे रखे थे। ये क्यों आया था, ठीक है, आपको पता होगा कि नेशनल स्टील पॉलिसी जो थी 2007 में रिलीज होने वाली थी, जिसमें ये जो फैक्टर हैं ये सारे इंक्लूड करे जा रहे थे, कि मतलब जो जो इंडस्ट्रियल जो एमिशन कर रही है बहुत ज़्यादा, तो उन पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा सके। ठीक है, तो आप पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द नीम ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीम ऑयल कैन बी यूज एज अ पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन इन सम स्पीशीज एंड इंसेक्ट्स एंड माइट माइट नीम ऑयल नीम सीड आर
used in the manufacture of biofuel and hospital detergent. The neem oil has an application in pharmaceutical industry. देखिए सबसे पहले बता दूं, देखिए इसका जो आंसर था यूपीएससी ने बोल माना था ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें यूपीएससी ने माना था जो बी स्टेटमेंट है इसको इनकरेक्ट माना था, ठीक है। बट इसका कोई ऑफिशियल या ऑथेंटिक सोर्स नहीं है कि जो नीम सीड है इसका बायोफ्यूल बायोफ्यूल या हॉस्पिटल डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आंसर कहीं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में या ऑफिशियली आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा कि ऐसा बायोफ्यूल वगैरह में या डिटर्जेंट में यूज नहीं हो सकता, क्योंकि यूपीएससी ने इसको गलत माना था, तो मैं भी आपको गलत ही बताऊंगा। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे गलत, सॉरी ऑप्शन सी हमारा जो सही है, ठीक है। क्योंकि देखिए कई बार होता है क्या है कि आप ध्यान रखिए एक चीज, ठीक है, कोई भी अगर टेक्नोलॉजी दी हुई है, मान ली कोई भी टेक्नोलॉजी है उसके यूज दे रखे हो कि कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, तो हमें नहीं पता कि कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव ही मार्क करके आया करो। ज्यादातर टाइम 90-95% ऑल ऑफ द अबव ही होता है उसका आंसर, क्योंकि हमें नहीं पता कोई टेक्नोलॉजी कहाँ यूज हो सकती है, और जब भी ऐसा कोई प्रोडक्ट दिया हो कि उसका यूजेस कहाँ कहाँ हो सकता है, तो उसमें भी 80-90% उसका ऑल ऑफ द अबव ही मार्क करके आया करो, ठीक है। क्योंकि हालांकि ये थोड़ा एक्सेप्शनल चांस है, क्योंकि इसका कोई ऑथेंटिकेशन सोर्स नहीं है, हो सकता है मे बी कल को कोई और साइंटिफिक रिसर्च निकल जाए इसमें बायोफ्यूल भी बनाना स्टार्ट कर दे नीम सीड से, तो हमें नहीं पता, ठीक है, बट 80-90% ऑल ऑफ द अबव ही होता है उसका आंसर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइंटिफिक व्यू दैट द साइंटिफिक व्यू इज दैट द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 degrees Celsius अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। इफ द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज बियॉन्ड 3 degrees Celsius अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, वॉट कैन बी द पॉसिबल इम्पैक्ट एंड इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो 3 degrees Celsius से अधिक हो जाए, ठीक है, तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट हमको ग्लोबल लेवल पे देखने मिल सकता है। देखिए अगर आपने स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ी तो आपका आंसर इजीली निकल के लेके आ जाएगा। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड टूवर्ड नेट कार्बन सोर्सेज, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल अकर, ऑल ग्लोबल वेटलैंड विल परमानेंटली डिसअपीयर, द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। देखिए सबसे पहले आपको स्टेटमेंट जो 3 है ये देखिए, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया कि ऑल ग्लोबल वेटलैंड, ठीक है, ऑल मतलब क्या है कि कहीं पे भी वर्ल्ड में बचेगी नहीं वेटलैंड, तो ये तो स्टेटमेंट ऑब्वियसली बात है करेक्ट, जहाँ पे 3 है उसको एलिमिनेट कर दो, ये भी एलिमिनेट और ये भी एलिमिनेट, तो ऑप्शन बी बचा हमारा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, क्योंकि आपको पता होगा जो कोरल ब्लीचिंग होता है ये हमारे जब भी हाई टेम्परेचर पहुंच जाता है तो उसके कारण क्या होता है कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, तो ऑब्वियसली बात है 1 तो दोनों में है तो ऑप्शन बी हमारा जो होता है वो सही बचता है, तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ यू ट्रेवल थ्रू द हिमालय यू आर लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स नेचुरली ग्रोइंग, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा भी, जो सैंडलवुड होते हैं ये हमको मॉनसूनल या ड्राई डिसाइडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन 3 नहीं हो सकता, जहां भी ऑप्शन 3 है उसको एलिमिनेट कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा, इसको भी एलिमिनेट कर दो, इसको भी एलिमिनेट कर दो, इसको भी एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो ऊपर के दोनों है ये हमको मिलते हैं कहाँ पे, हिमालयन रीजन में। जो सैंडलवुड होता है ये हमको मॉनसूनल या ड्राई डिसाइडियस फॉरेस्ट, जो कि हमको कहाँ मिलता है देखने, वेस्टर्न घाट में, ठीक है, ये सैंडलवुड हमको वेस्टर्न घाट में देखने मिलता है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो हमको देखने मिलता है ये वाला फॉरेस्ट, बट जो हिमालयन रेंज है यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, ये दोनों फॉरेस्ट हैं आर करेक्टरिस्टिक प्लांट इन द टेम्परेट फॉरेस्ट, द टेम्परेट फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन द मिडल लैटिट्यूड ऑफ हिमालयस, जो सैंडलवुड है फाउंड इन द ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट और मॉनसून फॉरेस्ट विच आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट डेक्कन प्लेटू एंड द नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, तो वही चीज जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग प्रेयर वेटलैंड कन्फ्लुएंस ऑफ वेयर, मतलब क्या है कि कौन सा वेटलैंड कौन से रिवर के साथ लगता है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है, जो हरिके है ये तो पता है आपको ब्यास और सतलुज में ही मिलता है, ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पहला जहाँ पे नहीं उसको एलिमिनेट करो, ये एलिमिनेट हो गया। फिर दूसरा पढ़ो, क्योलाडो नेशनल पार्क या क्योलाडो वेटलैंड कहाँ पे है, ठीक है, राजस्थान में, आपको पता होगा, ठीक है, राजस्थान, और यहाँ इसमें बोला है कि चंबल रिवर के साथ ये लोकेट करता है, ठीक है, आपको पता होगा चंबल रिवर किससे
फ्लो होती है एमपी से, जो नॉर्थ वेस्टर्न एमपी है यहाँ से फ्लो होती है, तो राजस्थान तो कितना दूर है, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, ऑप्शन दो को एलिमिनेट करोगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता होगा जो कोलेरू है ये तो ठीक है गोदावरी और कृष्णा होती है, ना कि मूसी और कृष्णा, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट करो, थ्री भी एलिमिनेट करो, तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर बचता है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, जो हरिके वेटलैंड है आपको पता होगा ये तो सतलुज और बानस से बहती है, और अगर क्यूलाडो की बात करें तो ये बहती है गंभीर और बाणगंगा रिवर के, ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर बात करें कोलेरू लेक की तो ये है आंध्र प्रदेश में लोकेट करती है, एक फ्रेश वाटर लेक है, और ये गोदावरी और कृष्णा से लगी हुई है, ठीक है। तो यही चीज़ आपसे पूछी भी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद द ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ। देखिए आपसे सिंपल सी भाषा में मैं बोलूँ तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। देखिए आपने बहुत आई मैं आशा कर मतलब मेरा मानना है कि काफ़ी लोगों ने मार्क किया होगा नेशनल पार्क, बट ध्यान से सोचिए जिसने भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मार्क किया है तो ये स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए, ना कि बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे देख भी लीजिए एक्सप्लेनेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद द ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो वही चीज़ जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन करी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ किस में कॉन्ट्रीब्यूट करती है, हमारे स्पीशीज के कंजर्वेशन में, ठीक है। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये हमारी बायोडाइवर्सिटी प्लस ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ है उसको कंजर्व करने के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, आपको स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है वो बतानी है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड इन इंडिया एस्टैब्लिश अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल टाइगर कंजर्व इज अ स्टैचुटरी बॉडी, जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है ये चेयर करी जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। अगर आप दोनों ये दोनों पहले जो स्टेटमेंट पढ़ें, ठीक है, तो यही वाली जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी हमारी अटपटी है, ये इसमें जो यूपीएससी ने इसमें गलत करा था। तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट अगर एलिमिनेट करें तो हमारा ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया। अगर आपने गंगा रिवर के बारे में पता हो, नेशनल गंगा रिवर के बारे में पता हो तो ये तो ऑब्वियसली बात है प्राइम मिनिस्टर ही चेयर करते हैं, और जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे देखिए जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड इन इंडिया ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और स्टैब्लिश हुआ था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी और टू एनिमल एक्ट ऑफ 1960 इन 1962, ठीक है, जो कि हमें ऊपर ऑप्शन में क्या दे रखा था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, बट ये हुआ था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी, ठीक है, ये एक्ट में। तो ये पहली जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाती है। फिर हमारा आता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, आपको पता होगा ये स्टैचुटरी बॉडी है और इस्टेब्लिश हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट इन 2005 और ये कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। फिर गंगा रिवर बेसिन की बात करें, ठीक है, तो ये इसके काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं या इनके चेयरमैन होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड करी जाती है और ये इस्टेब्लिश हुई थी इन 2016, ठीक है। अगर वो बात करें वाइस चेयरपर्सन की तो ये मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति जो होते हैं इनके वाइस चेयरपर्सन होते हैं, बस यही चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इको सेंसिटिव जोन आर द एरिया दैट आर डिक्लेयर अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन दो जोन एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। देखिए आप दूसरी स्टेटमेंट पढ़ें तो ये तो आपको ऑब्वियसली बात है सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट कर दो, तो ये तो ऑब्वियसली बात है गलत है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया। अगर बात करें इको सेंसिटिव जोन तो ये इससे नहीं बल्कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 है इसके द्वारा डेजिग्नेट किए जाते हैं इको सिस्टम जोन। तो ये भी हमारा पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर हुआ, ऑप्शन डी, नाइदर वन और टू, ठीक है। देख लेते एक्सप्लेनेशन, जो इको सेंसिटिव जोन है देर इकोलॉजिकली फ्रजाइल एरिया विद इन द 10 किलोमीटर अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया एक्ट एज बफर और ये नोटिफाइड करे जाते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और अगर बात करें दूसरी स्टेटमेंट की, द सर्टन एक्टिविटीज
इज आइदर बैंड और रेगुलेटेड टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, आपको दिया था कि एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है, बट जो इको सेंसिटिव जोन है उसमें एग्रीकल्चर भी प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो ये इसलिए दूसरी भी स्टेटमेंट हमारी गलत है। क्लियर हो गया? तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ आई हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।